तो दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर अलोन चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी एंजाइटी स्टोरी लेकर आया हूँ जो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स पुरानी है और अब तक वो रिकवर नहीं हुई है। ठीक है, हालांकि मेरी कल ही उनसे बात हुई है, तो मैंने उनसे विथ हर परमिशन, शी इज़ अ फीमेल, तो उनकी परमिशन के साथ ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि उन्होंने जो गलती की है, ठीक है, वो भी चाहती थी कि जो उन्होंने गलती की है वो कोई और ना करे। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है, 15 to 17 मिनट्स तक चला जाए, बट इस वीडियो को आप ज़रूर देखना है, बिकॉज उन्होंने जो जो गलती की है वो आप लोग भी कर रहे हो, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है जो इन्होंने किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी एंजाइटी में आपको कैसे, किस सिम्टम्स पे क्या क्या फील होता है। तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों को कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, चलिए उस एंजाइटी के सिम्टम्स पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो उनकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि वो मैरिड लाइफ है। दूसरी बात ये है कि उनको 2 बेबीज हैं, ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम में उनको 4 साल से एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो एंजाइटी में उनको सिम्टम्स सबसे पहले स्टार्ट हुई थी पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक आप लोगों को पता ही होगा कि कितना डेंजरस फील कराता है हमें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पैनिक अटैक एक ऐसा लाइक बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमें पैनिक अटैक आता है तो ऐसा लगता है बस अभी मैं मरने ही वाला हूँ या मरने ही वाली हूँ। तो उनको भी ऐसा ही फील होता था एंजाइटी में, लाइक पैनिक अटैक में, आई एम सॉरी। तो पैनिक अटैक आप सभी को पता है क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया है, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी सिम्टम्स है वो है एंजाइटी। अब एंजाइटी उनको थोड़ी अलग होती थी, जैसे कि उनको ऐसा लगता था कि मतलब मान लो किसी की भी डेथ की न्यूज सुन ले या कहीं पर कोई नेगेटिव चीज सुन ले तो उनको एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उन्हें स्टार्ट हो जाता था, लाइक सांस जो है वो खींच खींच के लेना पड़ता था। और ये चीज जब उनको एंजाइटी फील होती थी तभी ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उनको फील होती थी, ठीक है, और कई कई बार ही उनको लाइक थॉट ऐसे आते थे कि उसकी वजह से भी उनको एंजाइटी शुरू हो जाती थी। अब जो तीसरी सिम्टम्स है वो है टिंगलिंग, लाइक उनको पूरे बॉडी में लाइक कमर में, पीठ पे और चेस्ट पे, हर जगह पर टिंगलिंग होती थी, मतलब जो नस है हमारी वो ऐसे फड़फड़ाती थी, तो ये चीज उनको होता था, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है फॉरगेटफुलनेस, उनको ऐसा लगता था कि मैं चीजें भूल रही हूँ, बट एक्चुअल में वो भूलती नहीं थी, ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि मैं चीजें भूल रही हूँ, बट उस सिचुएशन में ऐसा हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, बट लेकिन हम भूलते कुछ नहीं है दोस्तों। तो यही चीज उनके साथ भी हो रही थी, लाइक वो कोई भी चीज ऐसे करके ऐसा लगता था कि उनको वो भूल चुकी है, ये होता है फॉरगेटफुलनेस, ठीक है दोस्तों। तो जो फिफ्थ है वो है ब्रेन फॉग, क्रेजी ब्रेन फॉग दोस्तों। ब्रेन फॉग मेरा सबसे बेकार है, और वो भी उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रेन फॉग में उनको कोई भी चीज मतलब रियलिटी नहीं लगती थी, सब कुछ जो है धुंधलापन, ठीक है, क्लाउडीनेस, उनको ऐसा लगता था कि कोई दूसरी दुनिया में आ गई है, लाइक मैं पता नहीं मैं जिंदा भी हूं या मर चुकी हूं, ऐसा उनको लगता था, ठीक है दोस्तों। तो जो सिक्स्थ है वो है हेयर लॉस, ठीक है दोस्तों, हेयर लॉस उनको बहुत ज्यादा होने लग गए थे, लाइक यहां से उनके जो बाल है वो झड़ने लग गए थे, ठीक है, वो फोटो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो उनकी जो एलोपेशिया हुई थी हेयर लॉस में वो इधर से हो गई थी, ठीक है, मतलब पूरा स्कैल्प जो है वो निकल चुका था। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक फीमेल के लिए जब उनके बाल अगर झड़ जाते हैं तो। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके जो बाल हैं वो बहुत थिन हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा पतले हो गए थे, तो उनके बाल ऐवे ही गिर जाते थे, और मॉर्निंग जब वो स्नान करके निकलती थी तो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 80 to 70 बाल उनके गिर जाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ होने लगी। और जो सेवेंथ है वो है टायर्डनेस, उनको बहुत ज्यादा थकावट रहती थी शरीर में, मतलब कोई भी काम बोल लो उनको वो नहीं कर पाती थी, और उनमें लाइक उसमें भी उनके 2 बेबीज है तो वो कैसे हैंडल करती थी आई डोंट नो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ ये प्रॉब्लम कितनी पेनफुल है कि हम खुद को नहीं संभाल पाते एंजाइटी में तो हम 2 बच्चे की क्या केयर करेंगे। तो उन्होंने ये चीज भी मुझे बताई कि सर मैं जब मुझे जब ये एंजाइटी हो रही है तो मैं अपने बेबीज पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने अच्छे टाइम को स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ उनके साथ। तो ये सारी चीजें उनके साथ होने लगी। और जो ड्राई थ्रोट है, लाइक ये जो ड्राई थ्रोट होता है उनको ऐसा लगता है कि मेरा गला जो है पूरी तरीके से सूख रहा है, अब जब सूख रहा है तो मेरी मुझे सांस नहीं आ रही है ठीक से, तो इसके बाद भी उन्हें एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती थी।
चेस्ट पेन काफी कॉमन है, लोगों को होता है, हार्ट पेल्पिटेशन भी इनको होता था, ठीक है। जब इनको दिल की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, धड़कना स्टार्ट हो जाता था, तो उनको चेस्ट पेन होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो ये चीज सोच सोच कर उनकी एंजाइटी और सीवियर हो जाती थी और वो इमरजेंसी में चले जाते थे। हर बार ये डॉक्टर के पास विजिट कर चुकी है, ठीक है। आगे इनकी सबसे बड़ी गलती मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इन्होंने की है, ठीक है, और इसमें डॉक्टर लोगों का भी योगदान है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ है, उनको जो 10th है सिम्टम्स है वो है विजन प्रॉब्लम। लाइक उनको ऑलवेज जब भी मतलब वो एंजाइटी में सफर कर रही है तब उनको विजन में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, जैसे कि ब्लरी विजन, कोई भी एलईडी व्हाइट कलर का जो लाइट होता है उनको वो पहले देखते ही तो वो दिखता था कि हाँ ये एलईडी लाइट है, बट जब उनको ये एंजाइटी हुई है तो उनकी आंखें भी कमजोर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर वो एलईडी लाइट देखती है तो पूरा ब्लर नजर आता है उनको, और यही चीज मेरे साथ भी हो चुका है और काफी लोगों के साथ होता है। तो ये सारे लाइक बहुत लोगों के जब मुझे कॉल आते हैं तो मैं बहुत लोगों की स्टोरी सुनी है दोस्तों मैंने, बट ये जो स्टोरी है बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, बिकॉज एक फीमेल है दोस्तों, उनको एलोपेशिया हुआ है, दो बेबीज के ध्यान रखने हैं और प्लस इतने सारे प्रॉब्लम, हाउ शी इज हैंडलिंग आई डोंट नो दोस्तों, इट वॉज रियली पेनफुल रूट। और तो चलिए सिम्टम्स पे बढ़ते हैं, और आगे जो उनको 11 सिम्टम्स है वो है वाइब्रेट बॉडी। जब वो मॉर्निंग में उठती थी तो जैसे वो अपने पैर पे खड़े हो जाती थी तो उनकी जो बॉडी है वो पूरी शिवरिंग करती थी, लाइक पैर पूरे कांपने लग जाते, तो वो उस चीज से भी डरने लग गई थी, ठीक है दोस्तों। मतलब एंजाइटी में ये काफी लोगों को होता है, पूरी बॉडी जो है शिवरिंग करती है, ठीक है, वाइब्रेट होती है, तो ये आप लोगों को भी हुआ होगा। जो 12th है दोस्तों वो है नेगेटिव थॉट्स, इट्स वेरी कॉमन इन एंजाइटी, उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होते थे। लाइक मान लो कोई भी मतलब बेकार से बेकार थॉट उनको आते थे कि अगर मैं वहां पर नहीं गई तो भी मेरी मौत हो जाएगी, अगर मैं गई तो भी मौत हो जाएगी। मतलब उनको एक चीज पसंद थी दोस्तों, वो बहुत ज्यादा लाइक उन्हें कुकिंग करना बहुत पसंद था। वो मुझे बता रही थी कि सर मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद था, बट लाइक मैं कोई भी अगर मुझे मैं सोती भी रहूंगी अगर कोई मुझे उठाकर बोले भी कि मुझे कुछ खाना है, बहुत टेस्टी कुछ बनाओ कुछ स्पेशल, तो वो मतलब बहुत एनर्जेटिकली वो सारी चीजों को कर लेती थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उनको फूड बनाने में, ठीक है, कुकिंग करने में। तो ऐसा हुआ, एक मोमेंट ऐसा आया दोस्तों कि उनको वो चीज में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब वो एक टाइम पे जो एक्टिविटीज को एंजॉय करती थी आज वो एक्टिविटीज करने के लिए वो बिल्कुल भी लाइक खुद को मोटिवेट नहीं कर पाती है। लाइक चुपचाप बैठी रहती है बेड पे अपने रूम में, खुद को आइसोलेट करके रखती है, और प्लस उनके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मोमेंट पे वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताया, बट उनके हस्बैंड जो है ये सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो उन्होंने जैसे तैसे मुझे कांटेक्ट किया था, लाइक मेरे वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, तो उन्होंने मेरा नंबर कहीं से निकाला और उन्होंने मुझे सारी चीजें बतानी स्टार्ट कर दी, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक वुमेन के लिए, ठीक है, एलोपेशिया हुआ है प्लस फैमिली बैकग्राउंड जो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा होपलेस फील हो चुकी थी। एंड आई रियली अप्रिशिएट हर कि यार वो अभी भी होप नहीं छोड़ रही है स्टिल, एंड मैं डैम श्योर आपको प्रॉमिस करता हूँ दीदी, मैं 100% आपको रिकवर करा के दूंगा, ठीक है। आप बस वही कीजिए जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के सामने मैं प्रॉमिस करूंगा कि उनको मैं 100% रिकवर कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में उनके साथ रिकवरी मेड की बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो 13th सिम्टम्स हैं उनके वो है सुसाइडल थॉट्स। अब उनको लाइक जैसे कि मैंने बताया कि उनके सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो उनको लाइक कोई समझ ही नहीं रहा है ना, वो जब अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर कर रही थी वो सब लोग बोल रहे हैं कि बस तू नाटक कर रही है, अपने घर पे जाती है तो तू ठीक रहती है लेकिन यहाँ पर आती है तो तुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो दिस इज रियली रेडिकुलस दोस्तों, बहुत ज्यादा गलत बात है कि उसकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है बेचारी, लाइक वो कैसे जी रही है उसकी प्रॉब्लम को समझने के बिना है आप, लाइक डोंट नो, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता दोस्तों। तो उनको दो तीन टाइम लाइक दो तीन टाइम नहीं है एक्चुअली बहुत टाइम उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ चुके थे, बट लेकिन वो अपने बेबीज की वजह से वो स्टॉप हो गई। हर जगह पर जब भी उन्होंने सुसाइडल थॉट्स आए हैं तो उन्होंने जैसे ही अपनी बेबी के बारे में सोचा है तो वो सुसाइडल प्लान जो है वो कैंसिल कर देती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और उनको नमनेस मतलब जब वो सोती थी रात में और अचानक से उनका नींद जब टूटता था तो उनको ऐसा लगता, मतलब वो चेक करती थी कि मेरी जो हैंड है वो काम कर रहे हैं या नहीं, या मेरा पैर जो है वो हिल रहा है या नहीं, पूरी तरीके से सुन्न हो जाते थे रात में सोते समय, ठीक है दोस्तों।
और उनको बोन पेन होने लग गई थी, ठीक है, मसल्स पेन होने लग गए थे बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में। तो उनको ऐसा लगा था कि कहीं उनको अर्थराइटिस तो नहीं हुआ है, बिकॉज अर्थराइटिस इज वेरी सीवियर। तो उनको कहीं से पता चला कि बोन पेन शायद अर्थराइटिस की वजह से भी होता है, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो उनको ये सारी चीजें भी लगने लग गई थी। अब उनके 18 जो सिम्टम्स है वो है इंसोमेनिया दोस्तों। इंसोमेनिया में उनको हर 2 घंटे नींद टूटती थी। उनको पूरे 4 सालों से डीप स्लीपिंग नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि उनको स्लीप नहीं मिली, स्लीप मिली है दोस्तों, बट लेकिन जो गहरी नींद होती है वो गहरी नींद उनको बिल्कुल भी नहीं मिली, ठीक है दोस्तों। और जो स्टमक इश्यूज उनको होता था, ठीक है, जो 19th सिम्टम्स है स्टमक इश्यूज, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, गैस बनती रहती थी। उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह कराए तो सारी चीजें जब नॉर्मल आने लग गई तो उसकी फैमिली को भी लगने लग चुका था दोस्तों कि ये नाटक कर रही है, ठीक है। मतलब काफी लोगों के साथ ऐसा होता है दोस्तों, अगर कोई भी उनके फैमिली में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप कभी मेरे वीडियोस को चेक करो दोस्तों, ठीक है, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स को स्पेशली बोल रहा हूँ। तो आप इस वीडियो मेरे पूरे चैनल को आप चेक कीजिए, वहां पर कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि उन सारी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। स्पेशली मैंने वो सारी चीजें भी बताई है उसमें कि आप लोगों को कोई समझता नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखो, तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये कोई इजी एस नहीं है कि हमने सोच लिया और इससे बाहर निकल गए, इट्स नॉट इजी लाइक देन यू थिंक, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, यहां से निकलने के लिए हमें वक्त लगता है, हमें सपोर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट चाहिए जो हमें समझे, जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एंजाइटी से सफर कर रहे हो और आपको इससे ठीक होना है तो आपको एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, जो आपको बताए कि आपको कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और मायने रखती है दोस्तों। तो अगर आप में आपकी फैमिली में से कोई ये देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन्हें जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है, मिस मीनाक्षी को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मीनाक्षी जैसी लड़की मैंने सच में कोई नहीं देखा जो इतनी हिम्मत वाली है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं लिटरली हैट्स ऑफ टू यू, आर रियली अप्रिशिएट यू मीनाक्षी। और जो 20th सिम्टम्स है इनडाइजेशन, उनको इनडाइजेशन भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। कोई भी चीज खा ले उनको डकार, गैस बनना, ब्लोटिंग्स होना, डायरिया होना, ये सारी चीजें होने लग गई थी। और एक चीज दोस्तों, उनको स्टूल पास करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। स्टूल, आई थिंक यू नो दैट ऑल थिंग्स, कि स्टूल पास करने में जब हम बाथरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो उनकी वो जो स्टूल पास होती थी वो भी अच्छी नहीं रहती थी, क्रीमी टाइप होती थी। बट पहले वो मुझे बताती थी कि जब मुझे एंजाइटी नहीं थी सर, मेरी मुझे स्टूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, नथिंग। बट एक टाइम उनको स्टूल में थोड़ा सा ब्लड जो है वो पास हो गया था, उनको थोड़ा सा ब्लड निकल गया था स्टूल पास करते टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। बट हालांकि वो सारी चीजें नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। और जो लास्ट है वो है हेल्थ एंजाइटी। अब उनके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स हो जाए दोस्तों, उनको ऐसा लगता था कि ये बस अब मैं मरने वाली हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी चीज उनके साथ होती थी तो उनको ऐसा लगता था कि अब मैं मरने वाली हूँ। उनके बॉडी में या उनके मसल्स में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी तो उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा सीवियर है, और ये बार बार इमरजेंसी मोड में चली जाती थी। दैट्स वाई उनकी जो फैमिली की जो बोलते हैं ना ट्रस्ट है, वो उठ चुका था मीनाक्षी से, क्योंकि वो जितने भी रिपोर्ट्स करा रहे थे वो सारी चीजें नॉर्मल आ रही थी। बट हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मीनाक्षी, मैं आपको वादा करता हूँ मैं जरूर आपको रिकवर कराऊंगा। और आप सभी जो भी मेरे व्यूवर्स है वो सभी लोगों को ये चीज की मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं उनको रिकवर करके अपने साथ इस वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वो भी हमारे मुंबई से ही है, ठीक है। नेपाल में अभी अभी शिफ्ट हुई है, ठीक है, तो अब वो मुंबई में आने वाली है। तो जैसे ही वो मुंबई में आएगी रिकवर होकर, तो मैं उनके साथ ये वीडियो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों और एक एक चीज जो सबसे बड़ी गलती है वो उन्होंने ये की है कि जब वो डॉक्टर के पास गई थी तो गैस्ट्रिक में कोई भी ऐसा बोलता है तो गैस्ट्रिक में डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट कई कई बारी दे देते हैं। तो उनको जब एंजाइटी वगैरह डॉक्टर ने और साइकेट्रिस्ट ने उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स दे दी एंटी डिप्रेसेंट, तो जो उन्होंने 4 ईयर्स से कंटिन्यू रखी है, ठीक है। वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। और बहुत ज्यादा बैड न्यूज तो ये है दोस्तों कि उन्होंने ये गलती की है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उन्होंने एंटी डिप्रेशन की एडिक्शन लगा ली है। अब वो एडिक्शन जो है बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला है उनकी रिकवरी पॉइंट के लिए, बिकॉज देखो
अगर 4 ईयर से कोई चीज की हमें हैबिट है, लाइक 4 ईयर से वो एंटी डिप्रेशन खा रही है, तो उनके बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। एंड आई प्रे टू गॉड कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है। और आप लोग भी जरूर उनके लिए प्रे करना दोस्तों, वो जल्दी रिकवर हो जाए। एंड मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर रिकवर हो जाओगे, बिकॉज आपने होप नहीं छोड़ी है, ठीक है मीनाक्षी, आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। और एक बात दोस्तों कि एंजाइटी में अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी रिलेटेड कोई भी इससे रिलेटेड ये जो भी मैंने सिम्टम्स बताए इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, जरूर मैं आपको उसमें आंसर करूंगा। और प्लस अगर आपको मुझसे बात करना है, तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस नंबर से भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉलिंग भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और मैं जरूर प्रे करूंगा सभी लोगों के लिए कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप लोग भी प्लीज मीनाक्षी जी के लिए बहुत ज्यादा प्रे कीजिए दोस्तों कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना ध्यान रखिए, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।